यूफोरी वॉइस पे आपका स्वागत है। सबसे पहले अभी तक की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में हिरासत में रखे गए नेताओं को बॉन्ड भरवाकर रिहा करेगी सरकार। जैश आतंकियों के दो मददगार गिरफ्तार, रिमांड में लेकर पूछताछ। जम्मू संभाग में नवरात्र और दशहरा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने पर जोर, खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर में जीएसटी रिटर्न भरने में मिली एक महीने की मोहलत। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के विशेष दर्जे की समाप्ति के बाद हिरासत में लिए गए अलगाववादियों तथा नेताओं को सरकार ने बॉन्ड पर रिहा करने का फैसला किया है। इसके लिए उनसे बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक समेत 7 नेताओं ने रिहाई के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए हैं। पिछले 47 दिनों से अलगाववादियों तथा विभिन्न पार्टियों के नेताओं को हिरासत में रखा गया है। हिरासत में रखे गए नेताओं को प्रशासन ने बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने की शर्त पर रिहाई की पेशकश की है। सूत्रों के अनुसार मीरवाइज उमर फारूक के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से 1-1 नेता और 2 अन्य ने बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए हैं। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन, पीडीपी युवा विंग के नेता वाहिद पारा और नौकरशाह से नेता बने शाह फैजल ने बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि बॉन्ड पर रिहाई उनके किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने पर रोक लगाता है। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के बाद रिहा हुए लोगों को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी जो दस्तावेज में निश्चित बताए गए हैं। जो भी प्रावधान का उल्लंघन करेगा उसे फिर से हिरासत में ले लिया जाएगा। राज्य के प्रवेश द्वार लखनपुर में 12 सितंबर को हथियारों की खेप के साथ पकड़े गए जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों की निशानदेही पर पुलिस ने कश्मीर के पुलवामा से 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान बशीर अहमद लोन और सोहेल अहमद के रूप में हुई है। इन दोनों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार सोहेल उस ट्रक का मालिक है जिसमें आतंकी हथियार लेकर राज्य में आ रहे थे। बशीर अहमद को यह हथियार पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। दोनों लोग आतंकियों को हथियार मुहैया करवाने के लिए मॉड्यूल का हिस्सा है। फिलहाल इन हथियारों को किस वारदात को अंजाम देने के लिए लाया गया था इसका खुलासा नहीं हो पाया है। कश्मीर की पुलिस की विशेष टीम फिलहाल मॉड्यूल में शामिल 2-3 अन्य लोगों की भी तलाश में जुटी है। पंजाब और दिल्ली में भी लगातार पुलिस की दबिश जारी है। लगातार बॉर्डर और LFC से घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। इसे लेकर पुलिस सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। खासकर अब जबकि नवरात्र महोत्सव और दशहरे के साथ कई पर्व आने वाले हैं तो एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं। शुक्रवार को IG जम्मू ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर त्योहारिक सीजन की सुरक्षा पुख्ता करने पर जोर दिया। कहा कि सभी एजेंसियां अपने सोर्स सक्रिय कर ले ताकि किसी भी अप्रिय घटना के पहले ही उसका पता लगाया जा सके। IG मुकेश सिंह ने पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना खुफिया एजेंसियां और प्रशासन के अधिकारियों के साथ इसे लेकर बैठक की। कहा कि नेशनल हाईवे पर रात के समय गश्त बढ़ा दें। घुसपैठ के तमाम रूटों पर संयुक्त रूप से पुलिस और अर्धसैनिक बलों के नाके बढ़ाए और अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती करें। सभी एजेंसियों से आपस में तालमेल बढ़ाकर काम करने के लिए कहा गया। बैठक में BSF, सेना, CRPF, खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के अलावा DIG उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ भी मुख्य रूप से शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को देखते हुए GST काउंसिल ने उद्योगपतियों व व्यापारियों को अगस्त महीने की रिटर्न दायर करने के लिए 1 महीने की मोहलत प्रदान कर दी है। ये रिटर्न 20 सितंबर तक दायर की जानी थी। इससे पहले जुलाई महीने की रिटर्न 20 अगस्त तक भरी जानी थी जिसमें 20 सितंबर तक मोहलत दी गई थी, लेकिन हालात ज्यों के त्यों बने रहने के कारण उद्योगपति व व्यापारी से दोबारा स्थगित करने की मांग कर रहे थे। शुक्रवार को गोवा में GST काउंसिल की बैठक थी जिसमें स्टेट टैक्स विभाग के कमिश्नर RK भट्ट ने राज्य के हालात का हवाला देते हुए मासिक रिटर्न भरने में मोहलत देने का मुद्दा उठाया। काउंसिल ने इसे मंजूरी देते हुए 1 महीने की मोहलत दी। कमिश्नर RK भट्ट ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि फिलहाल 1 महीने की मोहलत मिल गई है। राज्य में 20 सितंबर तक ई-वे बिल पर भी छूट दी गई थी। इस छूट को आगे बढ़ाने के सवाल पर भट्ट ने कहा कि जम्मू पहुंचकर वो इस पर अगला आदेश जारी करेंगे। इसी के साथ अभी तक के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूफोरी वॉइस। नमस्कार।